भारत में शिक्षा प्रणाली को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास सरकार करती रहती है, परंतु इसके बावजूद भी कुछ जगह हैं जहां पर शिक्षा के नाम पर कुछ और ही कार्य हो रहे हैं, इन छोटे मासूम बच्चों द्वारा कराया जाता है। ऐसा ही ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र में स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल का है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि वहां के अध्यापक और मिड डे मील के कर्मचारी किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। लगातार क्षेत्रवासियों द्वारा शिकायत मिलने पर ये प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे मिड डे मील का खाना अपने स्कूल से लगभग 300 मीटर दूर गाड़ी स्वयं ला रहे हैं, जिसको लाने की जिम्मेदारी मिड डे मील की गाड़ी की होती है। जिन बच्चों के हाथों में पेंसिल किताबें आदि होनी चाहिए, उनके हाथों में बड़ी बड़ी बाल्टी चमचे थमा दिए जाते हैं, और प्रतिदिन यह बच्चे दूर खड़ी हुई गाड़ी से किस तरह से सामान लाते हैं यह हम आपको अपनी वीडियो के द्वारा दिखा रहे हैं। जब हमने स्कूल के एक बच्चे से पूछा कि आपको यह सब लाने के लिए कौन कहता है, तब उसने निसंकोच कहा कि उनकी अध्यापिका उनसे यह सब लाने के लिए कहती है। भारत में लगातार सर्व शिक्षा अभियान और पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया की नीति पर चलाने के लिए जिन अध्यापकों को सरकार सरकारी वेतन मुहैया करा रही है, तो क्या इसी दिन के लिए करा रही है कि ये बच्चे किताबें ना पढ़कर बड़ी बड़ी खाने की उठाएं? क्या ये सही जिम्मेदारी? जिले में स्थित सरकारी अधिकारियों की वे जिम्मेदारी देकर इन लोगों का निरीक्षण नहीं करते, जिन लोगों की लापरवाही के चलते यह दृश्य देखने को मिलता है। जिस प्राइमरी स्कूल की हम बात कर रहे हैं, इस प्राइमरी स्कूल का कोरोना काल के चलते छत का लिंटर टूटकर गिर गया था, जिसके बाद पूरे क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया था कि आखिर बच्चे कितने सुरक्षित हैं इस स्कूल में। जिस स्कूल की हालत जर्जर हो गई है, इस प्रकरण को जब बरेली बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने रखा गया, तब उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मिड डे मील का खाना उनको तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए, लेकिन यह निर्देश कितने कारगर होंगे यह समय बताएगा। लेकिन इस प्रकार की कार्यप्रणाली से इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या हो? कोरोना काल के चलते बच्चों को अपने घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी, लेकिन यह कितना सही है कि विद्यालय खुलने के बाद पढ़ाई की जगह पर उनके हाथों में भारी भारी बाल्टियां पकड़ा दी जाती हैं? अब सरकार इस दृश्य को देखकर क्या कड़े रुख अपनाती है, यह देखने का विषय है। संवाददाता धीरेन्द्र सिंह की खास रिपोर्ट। Mm-hmm.